त्रि स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन का 2 मई को होने वाली मतगणना के संबंध में एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। बैठक में मतगणना केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के साथ कोविड हेल्प डेस्क बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सजग रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मतगणना कुल 20 केंद्रों पर होगी। वहां पर जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग में 2 प्रवेश द्वार होंगे, पहला मतगणना कार्मिक के लिए और दूसरा एजेंट और उनके प्रत्याशियों के लिए होगा। दोनों ही द्वार पर हेल्प डेस्क बना रहेगा। उन्होंने कहा कि एजेंट एवं प्रत्याशियों से अनुरोध है कि जिसको फीवर या कोविड सिस्टम हो, वे मतगणना के आसपास प्रवेश करने का प्रयास ना करें। मतगणना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर आएं। मेन द्वार पर भी चेक करके ही प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, एक्चुअली ये अल्टीमेटली हाईकोर्ट जाएगी, सील तरीके से बना होगा। इन्होंने फिर उसी तरह से नीचे गिरा दिया, उसी तरह से। अब इसमें कह रहा है कोविड असाइंड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये भी इसी में हो गया। तो बस यही हमारी होगी, 40 की सूचना है ना। अब 40 वाली सूचना में जैसे आपके में तो ढेर सारे कालम हो सकते हैं, हॉस्पिटल का नाम, उनका नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में आगामी 2 मई को जो त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 है, इसकी मतगणना होनी है। मतगणना कुल 20 केंद्रों पे, 20 ब्लॉकों में हो रही है। वहाँ पर जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग में 2 प्रवेश होंगे, एक मतगणना कार्मिकों के लिए और एक एजेंट्स के लिए, एजेंट्स और उनके प्रत्याशियों के लिए। तो अभी हम लोगों ने ICCC में जिले के, जनपद के अपने ACMO साहबान और CMO साहबान के साथ ये बैठक की है कि वहाँ दोनों ही द्वार पर, जहाँ एजेंट और जहाँ कर्मचारी प्रवेश करेंगे, हेल्प डेस्क बनी रहेगी। मेरा अनुरोध है कि ऐसे एजेंट जिनको फीवर हो या कोविड के सिम्टम्स हों, वे मतगणना केंद्र के आसपास ना आएं, वहां प्रवेश करने का प्रयास न करें। अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगा करके आएं और यथासंभव सैनिटाइज़र भी उनके पास होगा तो अच्छा रहेगा। हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, जहां उनको चेक करके ही प्रवेश दिया जाएगा, वहां मास्क और सैनिटाइज़र भी उपलब्ध रहेगा, इसीलिए बैठक की गई है।